नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव तुषांशु पांडे और आज हम बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास बाय कैलकुलस मेथड। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुत सारी बातें की और उसके बाद में हम लोगों ने एक थिन यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर के लिए सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट किया था। तो आज ही हम इसका एक दूसरा वेरिएशन देख रहे हैं, एक नए तरीके से हम इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने वाले हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, हम इंटीग्रेशन जैसे जो है कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें और उसको सही ढंग से अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल फोटोन में। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे इस फोटोन परिवार का हिस्सा बने, इसे सब्सक्राइब करें। तो आगे बात करेंगे और सबसे पहले हम देखते हैं, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हम लोगों ने लीनियर डेंसिटी के लिए ये लैम्डा साइन यूज़ किया था और यहाँ हमारे पास में लैम्डा के लिए फार्मूला था, लैम्डा इज इक्वल टू डी एम डिवाइडेड बाई डी एल। इस तरीके से हम लोगों ने डी एम के लिए फार्मूला बनाया था लैम्डा डी एल। इसी तरीके से हम लोगों ने जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए और सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हमारे पास में फार्मूला था, जो सिंबल था वो था सिग्मा। सिग्मा के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था, एक मिनट हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो हमारे पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए फार्मूला था सिग्मा इज इक्वल टू डी एम डिवाइडेड बाई डी ए और यहाँ से हमको फार्मूला मिला था डी एम इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। और इसी तरीके से हम जो क्या कहना चाहिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हम लोगों ने क्या फार्मूला निकाला था, सिंबल था रो, रो इज इक्वल टू डी एम डिवाइडेड बाई डी वी और यहाँ से हमको फार्मूला मिलता है डी एम इज इक्वल टू रो डी वी। तो ये था एक क्विक रिविजन। अब हम बात करते हैं हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम की और एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि ये जो हम देख रहे हैं ये एक वायर है। अब मान लीजिए कि मैं एक ऐसा रिंग ले लूँ, ठीक है, और ऐसे रिंग के लिए तो अब मैंने क्या किया कि इस रिंग को मान लेते हैं ये रिंग ही है, तो इसको यहाँ से बीच से काट लिया और अब इस बचे हुए हिस्से को पकड़ के मैं चाहता हूँ कि मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकालूँ। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना है, ऐसे केस में मुझे ये करना है कि मैं इसके मास के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचूं, क्या ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि मैंने एक स्ट्रेट वायर उठाया और उसको बेंड कर दिया, तो जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन था वो तो अलोंग द लेंथ है, इसलिए मैं इस बार भी लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एल या फिर डी एम डिवाइडेड बाय डी एल, ये फार्मूला यूज़ करने वाला। तो अगर मैं ये फार्मूला ऐसा यूज़ करता हूँ तो मुझे मिलता है डी एम इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको ध्यान देना या समझना बहुत ज़रूरी है। उनमें से क्या चीज़ें हैं, पहली बात ये देखिए कि ये जो मैंने क्या किया था पिछली बार कि मैंने अपने स्ट्रेट वायर को छोटे छोटे बहुत सारे पीसेज में कट कर लिया था, ठीक है, मैंने अपने स्ट्रेट वायर को यहाँ एक पीस, यहाँ एक पीस, यहाँ एक पीस, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था और उसके बाद में एक्स कॉम इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, इस फॉर्मूला को यहाँ बाय कैलकुलस मेथड यूज़ किया, अप्लाई किया। तो इस बार भी मैं अपने इस वायर में क्या करने वाला हूँ, ऐसे छोटे छोटे पीसेस कट करने वाला हूँ इस वायर के। अब मैं उन सारे के सारे पीसेस को ग्रैन्यूलर या फिर डिस्क्रीट तरीके से यूज़ करूँगा, उनको अलग अलग पार्टिकल मानूंगा और उन सारे पार्टिकल्स के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ताकि मैं एक सेंटर ऑफ मास निकाल सकूं।
अब जब हम इन पार्टिकल्स की बात कर ही रहे हैं तो इनका लोकेशन कैसे निकाला जाए। पिछली बार मैंने क्या किया था कि यहां से मैंने उस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए एक्स आई उसका लोकेशन फिक्स किया था, लेकिन क्योंकि ये एक सिंगल मतलब स्ट्रेट वायर में तो है नहीं, इसलिए मेरे पास में एक ज्यादा इजियर मेथड हो जाता है कि मैं उसको उसके एंगल से लोकेट करूं। तो अब आप समझिए कि ये एंगल से लोकेट करने का कुल मिला के फंडा क्या है। ठीक है, अगले पेज में देखते हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक सर्कल लिया मैंने और इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला है वो है सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये तो यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ 2 पाई क्या है? तो अगर आप रेडियन में जाएं, कहाँ जाएं? रेडियन में जाएं तो रेडियन एक एंगल कैलकुलेट करने का मैकेनिज्म है, जैसे डिग्री है, और रेडियन में 2 पाई एक एंगल है जो 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। आपने हमारी लोअर क्लासेस में जब ये चीजें पढ़ी तो आपको ये याद होगा। और यहाँ आर यहाँ रेडियस है, ठीक है? तो अब अगर मैं आर्क लेंथ की बात करूं तो आर्क लेंथ के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू थीटा आर। यहां ये थीटा रिप्रेजेंट करता है क्या? रेडियन में एक एंगल को, और आर रिप्रेजेंट करता है रेडियस को। तो अगर मैंने आपको कहा कि ये एक आर्क है जिसका रेडियस है आर और इसका एंगल है थीटा, तो आर्क लेंथ के लिए आपके पास में फॉर्मूला है, ठीक है? अगर मैंने ये थीटा बढ़ा के 2 पाई कर दिया, मतलब एक पूरे राउंड की बात कर दी, तो ये आर्क लेंथ क्या बन जाता है भाई? सर्कमफेरेंस बन जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये रिलेशनशिप तो निकाल लिया। अब अगर मैं पिछले डायग्राम में जाऊं और यहां मैं बोलूं कि अगर मैंने इस छोटे से लेंथ को मैंने क्या मान लिया है? मैंने इस छोटे से लेंथ को डी एल मान लिया है। तो एक्चुअली में तो वो डी एल जो है क्या है? वो तो आर्क लेंथ है। तो अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखूं तो ये हो जाएगा आर थीटा, और क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है तो इसलिए मैं बोलूंगा ये एक्चुअली हो गया आर डी थीटा, आर टी थीटा। कल ही मैंने आपको बताया है, पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर हम डी थीटा यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो थीटा है वो बहुत बहुत छोटा है, और इसीलिए यहाँ एल के सामने डी एल आ रहा है क्योंकि ये पीस भी बहुत बहुत छोटा है। अब हमारी बात ये है कि क्या हम हमारा डी एल यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पॉइंट पे? तो अगर मैंने मुझे रिप्रेजेंट करना है डी एल यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा? मैं ये करूँगा कि मैं थीटा की वैल्यू, इस वाले थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले लूंगा। उसी तरीके से अगर मुझे थीटा यहां रिप्रेजेंट करना है, डी एल यहां रिप्रेजेंट करना है, तो मैं थीटा की वैल्यू क्या ले लूंगा? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू या फिर 90 डिग्री। भाई आपको तो पता है कि 90 डिग्री को रेडियंस में पाई बाई टू लिखते हैं। उसी तरीके से अगर ये पीस मुझे यहाँ चाहिए डीएल, ठीक है, अगर मुझे डीएल की जरूरत इस लोकेशन में है यहाँ, तो मैं थीटा की वैल्यू ले लूंगा पाई। और इस तरीके से अगर हम देखें कि थीटा का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ वेरी करता है, तो थीटा का रेंज रेंज अब ये रेंज ऑफ थीटा वहां जाके लिमिट हो जाएगा जब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये थीटा का रेंज लिमिट वेरी करता है 0 डिग्री से पाई तक। आई थिंक आपको समझ में आई बात। अब यहां पे अगली चीज देखना है कि यहां पर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या है। तो ये देखिए कि हम एक राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, और इस राइट ट्रायंगल में ये वाला एंगल हमारा थीटा है, और थीटा के ऑपोजिट, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने 90 डिग्री माना हुआ है, ये दिख नहीं रहा है वैसा, लेकिन मान लेते हैं कि ये राइट ट्रायंगल है।
तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेस हो गया, और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। साइन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो पहले लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और यहाँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा हो गया। हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ देखिए, इस ट्रायंगल में मैंने ये राइट ट्रायंगल लिया हुआ है। चलिए मैं दूसरा कलर लेता हूँ ताकि ये चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ ले लेते हैं हम पर्पल। अब देखिए ये है हमारा राइट ट्रायंगल, और यहाँ राइट ट्रायंगल में हमारा जो हाइपोटेनस है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है भाई, रेडियस तो सेम रहने वाला है हर जगह। तो ये देखने के बाद में ये एच जो है किसके इक्वल हो गया है, आर के रेडियस के, उस सर्कल के लिए। तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय रेडियस। अच्छा ये परपेंडिकुलर क्या है, तो ये हो गया हमारा वाई कंपोनेंट और ये हो गया हमारा एक्स कंपोनेंट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और ये हो जाएगा r साइन थीटा। इसी तरीके से x इज इक्वल टू r कॉस थीटा, ठीक है। तो ये चीजें तो हमको समझ में आई गई। अब इसके आगे कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनानी है जिससे हम आगे की चीजों को समझ सकें। तो यहां देखते हैं हमारे इस डायग्राम में r cos थीटा ये क्या है, x कंपोनेंट है, और r sin थीटा ये क्या है, y कंपोनेंट है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप इस छोटे से एग्जांपल के थ्रू ये समझने की कोशिश करें कि क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि मेरा एक मास यहाँ M1 है, ठीक है, M1 है, और ये दूसरा मास है M2, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये 2 kg का है और ये भी 2 kg का है। तो अब हमको जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा वो एक्स कॉम मिलेगा, इसका मिड पॉइंट। लेकिन अगर मैं इसको 2 की बजाय, अगर मैं इसको 2 की बजाय 4 kg बना दूं तो क्या होगा। तो अगर मैंने 4 kg का जो है मास यहाँ ले लिया, तो अब ये, क्योंकि ये ज़्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट हो गया और ये कम मास वाला ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये जो ज़्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट है वो एक्स कॉम को मतलब सेंटर ऑफ मास को अपने साइड खींच लेगा। तो हमारा नया सेंटर ऑफ मास वो कहाँ मिलने वाला है, वो शिफ्ट होके इधर चला जाएगा। मतलब जो ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ मास को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हुई। अब अगली बात जो हमको करनी है वो ये है कि हमने सेमी सर्कल लिया हुआ है, और सेमी सर्कल में अगर मैंने हमारा डीएल यहाँ लिया तो इसका मास क्या होगा, इसका मास होगा डीएम, क्योंकि ये बहुत छोटा पीस है इसलिए उसका छोटा सा मास होगा। और वैसे ही अगर मैंने डीएल यहाँ लिया तो यहाँ पर भी मास डीएम मिलने वाला है। अब सोचिए कि अगर ये भी डीएम है और ये भी डीएम है, तो जो एक्स कॉम है वो सेंटर में ही रहेगा। और इसी तरीके से पूरे के पूरे सेमी सर्कल को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो अलोंग एक्स एक्सिस दोनों साइड में डीएम मास के कुछ पीसेस आते हैं जिनके कारण परमानेंटली हमारा एक्स कॉम कहाँ रहने वाला है, हमारा एक्स कॉम रहेगा हमेशा वाई एक्सिस में। क्यों, क्योंकि सिमिट्री है। सिमिट्री किसमें है, सिमिट्री है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में, किसके अलोंग भाई, मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस के अलोंग भाई। यहां से जितनी दूर डीएम यहां है उतनी ही दूर डीएम यहां पर भी है, और इसलिए वाई एक्सिस के अलोंग हमको सेंटर ऑफ मास मिलता है, ठीक है। तो ये जो सिमेट्री है इसके कारण हमको वाई एक्सिस में हमारा एक्स कॉम मिलने वाला है। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन है, क्या
हमारे पास में ऐसी कोई सिमेट्री अलॉन्ग वाई हाँ एक्सिस है? भाई अगर मेरे पास में एक मास यहाँ होता और उसको बैलेंस करने के लिए सेम डिस्टेंस में डीएम यहाँ पर भी होता, तो ऑब्वियसली हम मुझे सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलता? ओरिजिन पे। लेकिन क्योंकि दूसरे साइड में बैलेंस करने के लिए मेरे पास अलोंग वाई एक्सिस कोई मास नहीं है, इसलिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे वाई कॉम निकालना पड़ेगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे और यहाँ देखते हैं कि एक्स के लिए जो है, हम एक्स कॉम के लिए हमारी पोजीशन क्या हो गई? एक्स कॉम के लिए हमारी पोजीशन हो गई कहाँ? ओरिजिन में। और अब हमको निकालना है वाई कॉम, तो वाई कॉम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो वाई कॉम के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है भाई? तो वाई कॉम के लिए फॉर्मूला ये है, देखिए। ठीक है, तो वाई कॉम के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? वाई कॉम, वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस एंड सो ऑन mn y n डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन mn। तो ये हमारा फॉर्मूला है, और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था कि हम इसके लिए एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड समेशन ऑपरेशन। और समेशन ऑपरेशन में हम क्या करने वाले हैं? यहां ले लेंगे आई की वैल्यू, आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, और एम आई एक्स आई सॉरी वाई आई ये ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एम आई। अब फिर से जो बात मैंने पिछली बार की थी वो हम फिर से करते हैं। अब वो क्या है? वो ये है कि अगर हम ये सारे के सारे मासेस जो है, जो छोटे छोटे ग्रैनुलर पीसेस लिए हुए हैं, इन डिस्क्रीट पीसेस को अगर हम सबको ऐड कर लें, तो जो टोटल एक्चुअल ओरिजिनल मास था उस वायर के पीस का, मतलब ये हो जाएगा कैपिटल एम। और इसलिए हम ले लेंगे वाई कॉम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय m। अगली बात जो मैंने आपको बोली थी कि अगर हम डीएम से मतलब डीएम से क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, और वाई क्या है? लोकेशन है, लोकेशन है। ओके, तो लोकेशन है, इसलिए यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई। ठीक है, देखिए यहां मैंने क्या बोला था, थीटा जो है उसका जो रेंज है वो 0 टू पाई है। इसलिए अब हमारे पास में एक प्रॉब्लम ये है कि यहां हम रेंज ले रहे हैं थीटा का, और हमको डील करना है लैम्डा डीएल के साथ में। तो क्यों ना पहले हम ये चेक कर लें कि डीएम को थीटा के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या ऑप्शन बचता है? हमारे पास पास में जो ऑप्शन बचता है वो ये है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू डी एम डिवाइडेड बाय डी एल। यहां से हमको पता चला कि डी एम इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। दूसरी चीज जो हमें पता थी वो थी कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, या हम आर्क लेंथ की बजाय ले रहे थे डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो अगर मैं डी एम रिप्रेजेंट करूं, तो पहले मैं डी एल के लिए, पहले मैं डी एल के लिए एक अरेंजमेंट कर लेता हूं। ये डी एल की वैल्यू मैंने यहां से यहां डाली, और अब मेरे पास में आ गया डी एम इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा। शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब वाई कॉम का जो फॉर्मूला था, यहां क्या था? 0 टू पाई डी एम वाई, और वाई वाई क्या है? डी एल है, तो डी एम हाँ सॉरी वाई। और यहां हम y को क्या लिख सकते हैं? तो y को लिख सकते हैं
देखिए यहाँ क्या था, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये तो हम लोगों ने देखा हुआ है। तो यहां ले लेते हैं y की बजाय r साइन थीटा, y की बजाय r साइन थीटा, और dm की बजाय ले लेते हैं लैम्डा r d थीटा। तो y कॉम का हमारा नया फॉर्मूला क्या हो गया, और 1/m लगाना तो भूलना नहीं। तो y कॉम क्या हो गया, y कॉम इज इक्वल टू 1/m, और यहां हो जाता है इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई r साइन थीटा लैम्डा r d थीटा। अब यहां जो चीजें बाहर निकल रही हैं वो हम बाहर निकालेंगे भाई। तो क्या निकल रहा है, आर स्क्वायर लैम्डा, आर स्क्वायर लैम्डा डिवाइडेड बाय एम, और यहां बचा जीरो टू पाई साइन थीटा डी थीटा। आई होप ये चीज भी तो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा डी थीटा को। तो आगे बढ़ते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, y कॉम इज इक्वल टू आर स्क्वायर लैम्डा डिवाइडेड बाय m इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा, और यहां साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और यहां जो लिमिट है वो हो जाएगी 0 टू पाई आर स्क्वायर लैम्डा एम। अब यहां पर क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू पहले पाई ले लेंगे, फिर 0 के ले लेंगे, और उसके बाद में कंबाइन करेंगे। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर लैम्डा डिवाइडेड बाय एम, यहां हो जाएगा, अच्छा माइनस बाहर लेने के बाद में कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस पाई की वैल्यू होती है क्या, माइनस वन, और जीरो की वैल्यू क्या होती है, माइनस कॉस जीरो की वैल्यू तो वन। इस तरीके से हमको मिला आर स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय एम, और यहां मिलता है टू, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा हुआ था कि लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई, सॉरी लैम्डा की वैल्यू होती है एम डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो और एल क्या है, सेमी सर्कल के लिए जो लेंथ है वो है पाई आर, ठीक है। तो यहां लैम्डा की वैल्यू हो गई लैम्डा इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय पाई आर, और इसलिए ये वैल्यू हम यहाँ प्लग कर देंगे। तो y कॉम की वैल्यू क्या हमको पता चली, y कॉम इज इक्वल टू आर स्क्वायर लैम्डा, और यहाँ ले लेते हैं 2 डिवाइडेड बाय m, और यहाँ लैम्डा की वैल्यू चेंज करके क्या लिखते हैं, m डिवाइडेड बाय पाई r। जो चीज़ें जैसे कट हो सकती हैं वैसे हम कट करेंगे, ठीक है। तो हमको मिला ये एम और ये एम कट गया, और ये स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ वाई कॉम की हमारी नई वैल्यू आई, वाई कॉम इज इक्वल टू, वाई कॉम इज इक्वल टू टू आर डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। तो ये है लोकेशन वाई कॉम की, जबकि एक्स कॉम की वैल्यू क्या है, एक्स कॉम की वैल्यू तो ओरिजिन थी या जीरो थी। और इस तरीके से हम एक सेमी सर्कल के लिए एक सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकाल पाए, जिसको हम एक्स कॉम वाई कॉम के फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, तो यहाँ पर 2r डिवाइडेड बाय पाई जो रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ निकाला हुआ है, और ये अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन पूरे लेंथ में किया है, लेकिन इसका जो डेरिवेशन है वो इतना सही है। मेन मुद्दा आप ध्यान दीजिए कि समझने की बात यह है कि हम ये चीज़ें इसलिए नहीं सीख रहे हैं क्योंकि ये हमारे कोर्स में है,
हम ये चीज़ें इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आगे जब भी हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करें और कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें आएँ तो हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज से हमें इतनी स्ट्रेंथ मिले कि हम बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो इसी उम्मीद के साथ में मैं आपका दोबारा से स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल फोटोन में। अगर आपको ये चीज़ें पसंद हैं तो इन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि यहाँ हम कुछ इम्पॉर्टेंट और कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।